नमस्कार, मैं हूँ पिंकी सिन्हा। घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भेल लॉलीपॉप। इसके लिए हमें क्या क्या सामान? स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप कॉलीफ्लावर, 1 कप फ्रेंच बीन्स, 1 कप ग्रीन पीस, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया, ग्रेटेड पनीर, बारीक कटे हुए कैप्सिकम और ग्रेटेड गाजर। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ बॉईल किए हुए पोटैटोस, बारीक कटा हुआ प्याज और बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। फिर हमें मसाले में चाहिए, मसालों में हमें चाहिए मिर्ची, नींबू, अदरक, हल्दी, चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर, जीरा मसाला, मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ हमें चाहिए बॉईल किए हुए पालक जिसको हम बाद में प्यूरे करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए सूजी जिसको हम ऊपर कोट करेंगे। लॉलीपॉप को कोट करने के लिए हमें चाहिए सूजी, आइसक्रीम स्टिक और उसे तलने के लिए हमें चाहिए तेल। अब एक पैन में थोड़ा तेल ले लें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, फिर उसे थोड़ा सौते करेंगे। फिर उसमें डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज जिसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सौते करेंगे। अब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन। उसके बाद हम डालेंगे कॉलीफ्लावर। उसके बाद हम डालेंगे ग्रेटेड किए हुए गाजर। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटे हुए कैप्सिकम। उसके बाद हम डालेंगे मटर। और अब हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। इसे थोड़ी देर ढक कर पका लें कि ये जल्दी पक सके। अब हम देखते हैं कि हमारे वेजिटेबल्स कितने कुक हुए हैं। ये आधे ऑलमोस्ट ये पक ही चुके हैं, थोड़ा और इन्हें जरूरत है पकने की। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटी कटी हुई मिर्च 2 से 3, आप अपने स्वाद के हिसाब से उसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर इसे अच्छे से मिला लें। फिर थोड़ी देर तक इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। लगभग हमारी सब्जियां पक चुकी हैं तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरे जिसको हमने पहले ही ब्लांच करके मिक्सर में पीस लिया था। फिर अच्छे से मिला दें। इसे एक बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर आ जाएगा हमारे लॉलीपॉप में। सब्जियां बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हम एक बाउल में डाल के ठंडा कर देंगे। अब हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है।
तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड पनीर। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। अब जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ धनिया। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स डालने से हमारे लॉलीपॉप को अच्छा बाइंड मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लॉलीपॉप बनाने से पहले हम हाथ को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक छोटा टुकड़ा लेंगे मिश्रण का, उसके बाद हम अपने आइसक्रीम स्टिक्स में उसे एक लॉलीपॉप की तरह लगा देंगे। अब इसे हमने अच्छे से लॉलीपॉप का शेप दे दिया है, तो एक क्रिस्पीनेस के लिए हम ऊपर से सूजी की कोटिंग कर देंगे कि हमारे लॉलीपॉप बिल्कुल क्रिस्पी बने। बस इतना ही करना है और ऐसे ही सारे लॉलीपॉप आप बनाकर रख लें। हमने अपने सारे वेज लॉलीपॉप ऐसे तैयार कर लिए। ये हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने वेज लॉलीपॉप डालेंगे डीप फ्राई होने के लिए। अपने वेज लॉलीपॉप को हर तरफ से पकाएं, वो हर तरफ से अच्छे से सुनहरे भूरे रंग के हो जाए। अब हमारे लॉलीपॉप बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम निकाल लेंगे, इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लें कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू सोक कर ले। और ऐसे ही हम सारे कबाब अपने तैयार कर लेंगे। हमारे वेज लॉलीपॉप बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है।